नमस्कार, मैं हूं श्रुति और राजस्थान चौक के चौक पर चर्चा शो में आपका स्वागत है। राजस्थान में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में महज 5 महीनों का समय रह गया है और इसी के चलते सभी दलों ने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है। जहां कांग्रेस लोगों को राहत पहुंचा रही है तो वहीं बीजेपी जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सभाएं कर रही है और लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के जो नेता जो मंत्री हैं वो इस बार इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी जो है इस बार बोल रही है कि कांग्रेस सरकार के जो है जाने का समय आ गया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चौक पर चर्चा के शो में बात करेंगे और आज हम जनता के बीच आए हैं और जनता के बीच जाकर हम जानेंगे कि जनता का मत किसके साथ है, जनता किसको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। जी सर, आपका क्या नाम है? सुमित गुप्ता। जी सुमित जी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी को? तो बीजेपी को आप मतलब क्या कुछ है जो जिस वजह से आप बीजेपी को सपोर्ट? बीजेपी एक्चुअली मतलब धर्म, एक तो धर्म है सबसे बड़ा मुद्दा और जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं सेंटर में वो है। और वैसे भी राजस्थान में एंटी इनकम्पेंसी रहती है, 5 साल कांग्रेस की सरकार और 5 साल बीजेपी की, तो हम चाहते हैं इस बार बीजेपी की सरकार ही है। अच्छा, लेकिन वहीं कांग्रेस के जो कुछ नेता है कुछ मंत्री वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है इतिहास बदलेगा और इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाएंगे। दावा मैडम हर पार्टी करती है, दावा करना सबका काम है, वो ये तो कह नहीं सकते हम हार जाएंगे, वो तो लेकिन जीतेंगे भी नहीं, जीतेगी तो बीजेपी। ये इस बार लेकिन दोनों ही पार्टी ने जो है सीएम फेज जो है वो घोषित नहीं किया है, हालांकि आप बीजेपी के साथ हैं, तो अगर बीजेपी की सरकार इस बार राजस्थान में आती है तो आप किसको सीएम बनता हुआ देखना चाहेंगे? सीएम जो भी मतलब विधायक दल होता है वो डिसाइड करेगा, वही सीएम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कुछ डिसाइड है। बीजेपी आपको पता है कैसी पार्टी है, वो एकदम से कोई नेता ले आती है कहीं से भी, कोई आरएसएस का कार्यकर्ता भी हो सकता है, कोई वीएचपी का भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, बट वो अच्छा होगा। मतलब ये है जो मोदी जी और जो संगठन जो डिसीजन करेगा वो अच्छा ही होगा। आपके हिसाब से बीजेपी को एक नए चेहरे को इस बार लाना चाहिए या फिर? नया चेहरा ही आपको देखने को मिलेगा, बीजेपी आएगी और नया चेहरा ही आएगा, हम यही सोचते हैं। तो जो सुमित जी का वोट है वो बीजेपी के साथ है, आइए जानते हैं दूसरे लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, आप किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी मैम। बीजेपी को क्यों? मैम कांग्रेस सबसे गंदी चोर पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है। आप सिर्फ राशन के पीछे वोट मत दीजिए, बिजली के पीछे वोट मत दीजिए, दिल्ली का हाल देख लीजिए, आपकी ना तो माँ सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। दिल्ली वाला साक्षी मर्डर कांड देख लीजिए, कांग्रेस आपको यहाँ पर मुफ्त मुफ्त कर रही है, मुफ्त के दिन चक्रों में आपको आपका घर बार छोड़ना पड़ेगा एक दिन, ये ध्यान रखना। बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी, हमेशा हमेशा रही है और रहेगी भी। थैंक यू। तो इनका ऐसा कहना है कि जो बीजेपी है वो इस बार आएगी सत्ता में, आइए जानते हैं इन सर से। जी आपका क्या नाम है? सुरेश है मैम। जी आप किसके सपोर्ट में? मैं तो कांग्रेस के हूँ, मैं खुद ही काम करता हूँ कांग्रेस में। अच्छा, आप कांग्रेस के सपोर्ट? इंदिरा रसोई में हूँ, इंदिरा रसोई। जी तो इस बार आप जैसे कांग्रेस के सपोर्ट में हैं तो आपका जो मत है वो सीधा सीधा कांग्रेस के साथ है, ठीक है? तो कांग्रेस इस बार जो है हालांकि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आप तो आपको इस पर क्या कहना है? मैम बहुत बढ़िया कर रही है कांग्रेस मैम, अभी तो जैसे अभी इन्होंने गरीबों के लिए खाना किया है सब बहुत बढ़िया किया है, ऐसे बीजेपी में तो एकदम जीरो है मैम, मैं तो कांग्रेस के पूरे सपोर्ट में हूँ मैम। जैसे आपने बताया आप इंदिरा रसोई में है, तो कितने कुछ लोगों को इससे लाभ मिला है क्योंकि आप ग्राउंड पर रहकर काम? मैं हम तो एक्चुअली क्या जैसे किसके पास कोई भी नहीं होता है पैसा वैसा, तो हम इनको गरीबों को पैसा भी हम अपने तरफ से खाना खिलाते हैं, बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, कोई नहीं और हमारा बस एक ही उद्देश्य है, कोई भी भूखा सोई नहीं यहाँ पे राजस्थान में। जैसे अगर राजस्थान में आप कांग्रेस के साथ है तो राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप सीएम फेस किसको इस बार देखना चाहते हैं? सीएम में मैम अभी तो युवा नेता हैं सचिन पायलट के, उसको देखना चाहते हैं मैम। सचिन पायलट के साथ है आप? एक्सपीरियंस हो गया मैम बहुत अभी, 5 साल का गहलोत साहब का, पर अभी एक बार इनको भी चांस देना चाहिए, मतलब इस बार युवा को जो है चांस देना चाहिए। करेक्ट मैम, युवा नेता का चांस ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह शेखावत।
जी शेखावत जी, आपका मत इस बार किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? भारतीय जनता पार्टी मैम। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा क्यों मैम? इस देश के 54 साल के इतिहास में 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, ठीक है। आज UCC का जो कॉमन्स बिल है वो लेके आ रही है पार्टी। देश का आम नागरिक सुरक्षा है, भारतीय सेना को सारे उपक्रम हैं, ये सेंट्रल के हैं। एक किसान को 6,000 की जो वार्षिक उसकी आय है वो दे रही है मोदी सरकार, और बहुत सारे योजनाएं हैं जिनका देश की जनता फ़ायदा उठा रही है। एज ए लोकल लेवल मुफ्त की मैम चीज़ें थोड़ा साइड में है, एक गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त की चीज़ें भी चाहिए, लेकिन देश सबसे सर्वप्रथम है। दूसरा, राजस्थान में एंटी इनकमबेंसी रहती है, इस बार थोड़ी कम है, नो डाउट थोड़ी कम है, लेकिन आएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में मैम एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बन जाता है, राज्यपाल बन जाता है। ये मोदी जी देख लीजिए आप, एक आदमी चाय बनाने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया है, देश सुरक्षित हाथों में है, GDP अच्छी है। सबसे बड़ी बात है मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ठीक है मैम, ये कारण है। रही प्रदेश की बात, तो मैम राजस्थान में हर 5 साल में BJP, हर साल 5 साल में कांग्रेस है। लाइक हिमाचल आपके, वहाँ हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ भी ये सिस्टम था एंटी इनकम्बेंसी वाला, तो यहाँ तो है मैम, यहाँ तो। लेकिन कांग्रेस सरकार के कुछ तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस इतिहास बदलेगी और इस बार राजस्थान में जो है कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। वो मैम अपने अपने टिकट के लिए कर रहे हैं, उनको अपने अपने टिकट लेने हैं, तो मैम वो अपनी पार्टी की है तो पार्टी का फॉर्म पे तो पार्टी की बात करी मैम सार्वजनिक, बट अंदरूनी नहीं तो वो भी जानते हैं कि वो नहीं आने वाले हैं, ये चीज़ तो वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। BJP यहाँ पे आएगी तो मैक्सिमम 120 सीटें क्रॉस करेगी। तो ऐसा सरकार ऐसा बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है BJP इस बार प्रदेश में राजस्थान में BJP आएगी और मैक्सिमम 120 सीटें जो है वो क्रॉस करेगी। तो अब ये तो आगे ही जब चुनाव होंगे ये स्थिति तो तभी स्पष्ट होगी कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। आइए जानते हैं और जो हमारे बीच जनता है उनसे कि उनकी क्या राय है। जी कपिल जांगड़, आप इस बार चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले और महज 5 महीनों का समय रह गया है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें, BJP या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है CM फेस की भी कोई घोषणा नहीं की है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में आती है तो आपके हिसाब से इस बार राजस्थान का CM आप किसे देख रहे हैं, BJP से? मुख्यमंत्री मैम कोई भी रहे, ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे कोई बहुत ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा है सबसे बड़ी बात कौन पार्टी है जो किसी देश के लिए या किसी एक प्रदेश के लिए जो काम कर सकती है, और उसमें पिछले 10 साल का आप देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रही है। आप एज एन कंट्री अगर इंडिया का देखेंगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इम्प्रूवमेंट है, जो आपकी एक तवज्जो आपको दी जा रही है, जो आपको एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जो जिस एक मुद्दों पर आपकी बातें सुनी जा रही हैं, वो जो एक इम्पोर्टेंस है वो शायद 70 सालों में भारत को आज तक नहीं मिला। BJP है, हम ये नहीं कहेंगे BJP में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक है जितना है दोनों पार्टी को कंपेयर करें तो कंपैरिजन में देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से BJP काफ़ी आगे है आज के समय के अंदर राजस्थान में। और जैसे अभी चुनाव नज़दीक है तो BJP जो है वो भी पुरजोर कोशिश कर रही है और लगातार PM नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और आज भी उनका बीकानेर में दौरा है जो कि 7वां दौरा है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इन सभाओं से इन दौरों से क्या कुछ प्रदेश में चुनावों में असर पड़ेगा, क्या कुछ इसका आपका मानना है? एक तो मैम इसको हम लोग नहीं पूरा विश्व मानता है कि एक इंडिविजुअल करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, वो मोदी जी का चाम हर जगह चलता है। आप अगर देखेंगे MP के चुनाव में 25 के 25 सीटें भाजपा के पास में हैं। आप ये नहीं बोलते कि बोल सकते कि यहाँ पे मैंडेट नहीं है, वो अलग बात है कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार परिवर्तित होती है, तो इस बार कांग्रेस की है तो शायद वैसे भी भाजपा को आना चाहिए, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आना चाहिए कि आप देखते हैं कि गली गली मोहल्लों मोहल्लों में करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन वगैरह जो होता है कांग्रेस का राज अपन ने देखा है, पिछले 70 साल में भी देखा है, पिछले 5 वर्षों में भी देखा है। आप परिवर्तन का एक मौका दीजिए, भाजपा को भी आने दीजिए, शायद जॉब को लेकर कुछ हो। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने इतनी वैकेंसीज निकाली हैं, कितने आपने ज्वाइनिंग दी है बताइए, कितने आपके एग्जाम्स हैं उसके अंदर स्कैम हुए आपके अंदर, तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिनको युवा देखना चाहता है। युवा चाहता है कि उसको समय पर नौकरी मिले, नौकरी जो सरकार देगी समय पर देगी, आश्वासन के साथ देगी, युवा उसी को मतदान देगा। सर इस बार जो है राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिसंबर में ये चुनाव होंगे, तो आप का जो मत है वो किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है या BJP के साथ? हमारा मत कांग्रेस के साथ रहेगा क्योंकि गहलोत ने जनसेवाएं जो कल्याणकारी योजनाएं निकाले हो, चिरंजीवी योजना हो और चाहे कोई सी भी योजना हो, जन कल्याणकारी है। मोदी
एक जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है मोदी और अमित शाह। वो न तो लड़कियों के भले में कर रहा है, जैसे पहलवानों के लिए उन्होंने मुंह बंद कर लिया, अपनी बात में तो बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ ऐसे बोलता है, और उसका जो बोलने का तो तजुर्बा अलग है, अंदरूनी करने का अलग है। वो लड़कियों के महिलाओं के खिलाफ है और जातिवाद में 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, उसमें जो तुष्टिकरण करना है कर रहा है जातिवाद का। मुसलमानों को क्या निकाल सकता है मोदी देश से? नहीं निकाल सकता। और जो भी एनकाउंटर करता है वो करता है तो मुंडम्स का होता है, और दलितों के साथ भी चाहे वो कोई सा भी कांड हो। अभी चंद्रशेखर पे गोलियां चली, वो सिक्योरिटी नहीं, और जो कंगना रनौत है उसका मकान डाया, किस वजह से डाया, उसको जेड प्लस सुरक्षा दे दी। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति करता है। बीजेपी वाले कुछ भी कहें वो अच्छा, इसके राज में जितने बलात्कारी हैं संसद में बैठे हुए हैं, तगी पाक बैठे हुए हैं, हाँ, और रंड छोड़ा बैठे हुए हैं, यानी औरतों को छोड़े हुए बैठे हैं, हाँ। खुद मोदी भी अपनी धर्म पत्नी का नहीं है, वो किसका हो सकता है? आप सोचो, आप भी एक महिला हो और महिला के एंगल से आप देखो कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। सर, इस बार जो है कल ही जैसे सीएम अशोक गहलोत, अभी चूंकि उनके पैरों में चोट लगी हुई तो वो घर से ही काम कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी बार ट्वीट्स भी किए हैं कि वो प्रदेश की जनता को कुछ नया देने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कल घोषणा भी की थी और उन्होंने एक कॉन्टेस्ट निकाला है जी, तो उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? उससे कितना कुछ लोगों तक लाभ मिलेगा लोगों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार है, क्योंकि आप कांग्रेस सपोर्टी हैं तो कहीं ना कहीं 40 साल से बीजेपी का सपोर्टर था मैं। 78 में मेरी नौकरी लगी और उसके बाद में देश का प्रधानमंत्री, पहला विपक्ष का प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बने, और उन्होंने अनाज की, जो गरीब के पास अनाज कैसे पहुंचे, और जो अंत्योदय योजना निकाली थी, उस अंत्योदय योजना, चीनी सस्ती हुई थी है ना, चाहे गन्ना सुखा दिया खेतों में लोगों ने, लेकिन चीनी सस्ती, महंगाई पर कंट्रोल किया था, और गरीब एक आम जनता जो लोअर से लोअर क्लास है उस तक अन्न कैसे पहुंचे, वो व्यवस्था उन्होंने की थी। और उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री वो आए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी अच्छा किया था, कोई जातिवाद, कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ही राज किया। मतलब अभी जो मोदी सरकार जो धर्म है, महिला विरोधी है, जाति विरोधी है, और एससी एसटी को देखो तो उसके भी विरोध में है। सारे जो युवा आज, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी क्या है ना मजहब के हो, वो सब लोग क्या लगते थे, LIC बंद कर दी, रेलवे को बेच दिया, हवाई जहाज के प्लेटफार्म बेच दिए। मोदी ने यहाँ तक कर दिया कि जो 2 रुपये का टिकट है, जैसे अपन वहाँ छोड़ दे जाते थे मेहमान को, किसी को ट्रेन में बैठा के बैग वहाँ तक पकड़ने जाते थे, उसका भी प्लेटफार्म टिकट भी है ना 50 रुपये या 100 रुपये कर दिया। अच्छा, मतलब मोदी सर, ये गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से ये गलत है? कांग्रेस की जो गहलोत सरकार ने जो योजना निकाली उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जैसे गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप के जरिए वो लोगों से जुड़ रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना? वो बहुत अच्छी राहत कैंप चल रही है, और उसमें जो जो कैंडिडेट ऑफिसों में धक्के खाने जाता था उनके लिए है ना, जो वो जगह जगह कैंप लगा करके छोटी छोटी जगहों में, यानी ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है, ऐसे एक दो किलोमीटर के डिस्टेंस पे कैंप लगा करके उनको जो लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ पहुंचाया है, और वो 100% पहुँचाया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आधार कार्ड है वो कांग्रेस की देन है, इसकी जिससे बुराई की थी आज है ना वही सकारात्मक रूप से वो भी लागू करें। तो मैं पूर्णतया गहलोत और कांग्रेस राष्ट्र लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, कांग्रेस का समर्थक हूँ और कांग्रेस का रहूँगा आगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इस बार कांग्रेस की सरकार अगर राजस्थान में आती है तो आप CM फेस किसको देखना चाहेंगे? CM तो अब की बार पायलट बनेगा। मतलब इस बार आप भी चाहते कि कांग्रेस जो सरकार है वो युवा को एक युवा ही कांग्रेस का CM बनेगा, और गहलोत साहब इसके ऊपर अगर 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 वो करते हैं ना
आप नहीं मानते हैं तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भी मैं ऐसे नहीं कि साहब गहलोत के तो गहलोत की बोले, वास्तविकता से टच बात यह है कि युवा नेता आना चाहिए और उसमें ही कांग्रेस का भला है और देश की जनता का भला है, प्रदेश की जनता को भला है, महिलाओं सुरक्षित रहेंगी, सब कुछ रहेगा। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से बीच जाकर जनता से बात की है और इस बार हमने जनता का मत जाना है कि बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार जो है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और साथ ही ये भी लोगों ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस बार कांग्रेस को जो है वो किसी युवा चेहरे को सीएम बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी के साथ जो है वो लोगों का जो मत है वो कांग्रेस के साथ तो है ही और साथ ही सचिन पायलट के साथ भी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ये तो चुनाव में ही स्पष्ट होगा कि इस बार किसकी सरकार जो है वो बनती है राजस्थान में और क्या कुछ जो दौरे हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, पीएम की तरफ से, उनका क्या कुछ असर निकल के आता है आने वाले चुनाव में, या फिर जो गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार की तरफ से जो लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है उसका क्या कुछ जनता के बीच असर निकल के आता है, ये तो विधानसभा चुनाव में ही स्पष्ट होगा। और इससे जुड़ी और भी जो अगर आपके मन में आपका क्या सुझाव है, आप क्या कहते हैं कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही आपकी जो सुझाव है आप हमें वो भी दे सकते हैं और जो भी अपडेट्स रहेगी वो राजस्थान चौक की टीम आपके साथ साझा करती रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हूँ श्रुति, आप देख रहे हैं राजस्थान चौक।